हेलो सर, सर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सर बिल्डर लोहे की गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है और मुझे लगता है कि शमशेर दिल्ली भी अंदर है। आई एम गोइंग इनसाइड सर। ओके। ये बाइक तो क्या बात है डीसीपी गुप्ता? जो बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो मैं सबके सामने नहीं कह सकता। कौन सी बात सर? इंस्पेक्टर जोसेफ की हत्या के बाद मैंने राघव को बुला के वो बात बताई थी। हमारा दोस्त इंस्पेक्टर जोसेफ पिछले 8 महीनों से अपने पार्टनर निकेतन के साथ एक खुफिया केस पर था। इंस्पेक्टर जोसेफ के उस खुफिया जगह पर जाने की खबर सिर्फ 6 लोगों को और किसी को नहीं। यानी ये 4, 5वें डीसीपी गुप्ता और 6ठा कौन? इंस्पेक्टर जोसेफ का पार्टनर जो उस रात उसके साथ होना चाहिए था लेकिन सरप्राइजिंगली वो नहीं था। वैसे निकितन है कहाँ? उसका यहां ना होना बहुत अजीब है। 10% तो जब तक ये निकितन मिल नहीं जाता हम किसी की बात पर यकीन नहीं कर सकते। यकीन करना होगा, उसी सांप ने मारा है मेरे भाई को। इन सब की बातें सिर्फ बातें, कोई सबूत नहीं। हो सकता है कि अपने ऊपर से शक हटाने के लिए ये लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं जो यहाँ नहीं, यानी कि निकितन। राघव, निकितन के फोन के IMEI से उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई। इसी एरिया में कब्रिस्तान के पास। क्या तू यही कहीं चुप चुप कर देख रहा है? नो सर। तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर से जोसेफ का खून कैसे हुआ? क्या तुम अपने गन किसी को देते हो? दी थी? नहीं। हाँ बस शाम को डीसीपी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। जरा मुझे अपने गन दिखाना। बहुत ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी है। मुझे लगता है कि फोर्स से कह के तुम्हें हम नई गन इशू करवा देते। नहीं है। वारंट? कैसा वारंट? आपके इंस्पेक्टर जोसेफ के कत्ल के लिए। राघव, आर यू सीरियस? मैं डीसीपी हूं। डीसीपी होने का बड़ा फायदा उठाया इंस्पेक्टर निकेतन की गन बदल। साउंड को बुलाना। जी सर। उस रात आपने ही इंस्पेक्टर निकेतन जैसे काले कपड़े पहने, आपने ही इंस्पेक्टर जोसेफ का पीछा किया और होटल सपना के बाहर उसकी पीठ में 3 गोलियां दागी। जब आपने इंस्पेक्टर जोसेफ पे गोली चलाई थी तो निकेतन ने आपको देख लिया था और उसकी एक तस्वीर ले ली। बस इस तस्वीर को आपको दिखाकर मैं इसकी कॉपीज बनवा लूंगा और फिर कोर्ट में आपको कोई बचा नहीं पाएगा। सॉरी मिस्टर राघव, प्रूफ खत्म। सबूत गया नहीं सर, सबूत आ गया इस फोन पर। शमशेर और मैं मिले हुए, इसलिए शमशेर आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन जोसेफ, जोसेफ उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो शमशेर तक पहुंचे उसको मारना बहुत जरूरी था।